हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? आवाज आ रही है? चलिए, मैंने भी चेक कर लिया है, आवाज आ रही है। बच्चों कैसे हो आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग गुड, फिट एंड फाइन। तो बच्चों, ये हमारा न्यू चैनल स्टार्ट हुआ है, नीट मेंटोर्स। जो भी बच्चे सेशन को देख रहे हैं, मैं यही कहूंगी बच्चों, प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस सेशन एंड सब्सक्राइब द चैनल। इस चैनल को आप ही आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जनता ही इसको बढ़ाती है। हाय प्रणव, बच्चे ही आप लोग बढ़ाते हो, तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक एंड शेयर करिए और चैनल को आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब करके फॉरवर्ड कर दीजिए, ठीक है? तो बच्चों, मैं हूँ आपकी बायोलॉजी एजुकेटर डॉक्टर मीतू भावनानी। बाय प्रोफेशन में एक डॉक्टर हूँ और पिछले 9 सालों से मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ। मैंने 9, 10, 11, 12 चारों क्लासेस में कोर्सेज दिए हैं। अभी हाल फिलहाल मैं फाउंडेशन कैटेगरी में नहीं पढ़ा रही हूँ अनअकैडमी के, पर बहुत ही जल्दी पढ़ाऊंगी, क्योंकि काफ़ी बच्चों की काफ़ी क्या रोज़ ही बच्चे बोलते हैं कि मैम आप एक सिलेबस ले आइए बोर्ड्स का। देखो बच्चों, अभी 9, 10 इज़ नॉट पॉसिबल फ्रॉम माई साइड, पर मैं जल्दी स्टार्ट कर लूँगी, इसलिए झूठे झांसे में नहीं रखना चाहती हूँ। अभी मैं 11, 12 पढ़ा रही हूँ, ठीक है? तो जो भी मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ वो नीट एंड CBSE दोनों कवर करता है। तो इस चीज़ की आप बिल्कुल फिक्र मत करिए कि कोई भी दो अलग कोर्सेज स्टार्ट करने हैं मैडम, या फिर है ना कुछ अलग चीज़ होने वाली है, ये सारी चीज़ें, ठीक है? तो आप क्या करिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है? अगर आपको मेरे स्केड्यूल्स को देखना, जैसे अभी मैंने लिंक शेयर किया था, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए डीकोड नीट से, और इस सेशन को लाइक शेयर करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चैनल का नाम है नीट मेंटोर्स, ठीक है? उसके बाद बच्चों, अगर आपको मेरे साथ बहुत ही अच्छी तैयारी करनी है नीट UG की, और आप चाहते हैं कि मेरा वन गो में क्लियर हो जाए, तो उसके लिए आप सबसे पहले कुछ ना करें। देखिए, YouTube पे तो मैं पढ़ाती हूँ, लेकिन YouTube पे सारे डाउट्स और बहुत ज़्यादा डीप में हर चीज़ की क्लैरिफिकेशन नहीं होता है। तो उसके लिए बेस्ट यही है कि आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करिए, ठीक है? उसके बाद आप पेड सब्सक्रिप्शन लीजिए, ऐप पर पे करके पढ़िए, ठीक है? तो उसके लिए आपको नीट UG कैटेगरी को चूज़ करना है, और आपको प्लस, और अब एक ऑप्शन आता है आइकॉनिक, मतलब आपके पास ऐप पर भी बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं, ठीक है? इसी ऐप पर आपको कुछ फ्री लाइव क्लासेस, जिनको स्पेशल क्लासेस से भी जाना जाता है, ये फ्री होती हैं। अभी इनरोल करने का क्या तरीका है? आपने ऐप इंस्टॉल किया, नीट UG में गए, ठीक है? ये बेनिफिट्स आपको दिख गए, ठीक है? इन बेनिफिट्स को दिखने के बाद अभी जो ऑफर्स चल रहे हैं वो ये हैं कि आप आराम से अगर 1-2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, क्योंकि देखिए पढ़ाई तो 1-2 साल की ही होती है, 6-3 महीने में आप पढ़ नहीं सकते हो, तो 1 साल और 2 साल में आप आराम से अच्छा सेव करके पर मंथ भी जाकर कोर्स ले सकते हैं। ऑप्शंस आपके पास सब्सक्रिप्शन के दो होते हैं, या तो प्लस, जिसपे आपको डाउट क्लियरिंग सेशन मिलता है, लेकिन आजकल एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का और ऑप्शन आ गया है। आइकॉनिक में ये रेट्स हैं, लेकिन आइकॉनिक में आपको पर्सनल मेंटोरशिप, डाउट क्लियरिंग तो ठीक है होता ही है, साथ में नोट्स एंड स्टडी प्लानर भी मिलता है। इन दोनों सब्सक्रिप्शन में नीचे एक रेफरल कोड पूछा जाएगा, उसमें आप मेरा कोड डाल दीजिए MB10। उससे होगा क्या, एक तो आप मेरे ऐप के बैच में आ जाएंगे, साथ साथ में आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। एज यूजुअल 10% का डिस्काउंट तो मिलता है, कभी कभार ऑफर्स चलते हैं तो ज़्यादा भी डिस्काउंट मिल जाता है। चाहे प्लस का लेना है MB10 यूज़ करिए, आइकॉनिक का लेना है MB10 यूज़ करिए, और आप मेरा कोड यूज़ करके मेरे अलावा और भी अदर बेहतरीन एजुकेटर्स से ऐप पर पढ़ सकते हैं। बस एक ही बार आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, उसके बाद आप मेरे अलावा जितने चाहे एजुकेटर्स से जितनी बार चाहे पढ़ सकते हैं, जिस एक एक चैप्टर को बार बार पढ़ सकते हैं, जिस भी एजुकेटर से आपकी ट्यूनिंग बैठती है। हेलो आकाश, ठीक है? अगर आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए तो अनअकैडमी वो भी देता है। इस नंबर पे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिए, जो भी आपको सब्सक्रिप्शन लेने टाइम दिक्कत आ रही है, ये टाइम और डे है, ठीक है? अब तो 2021 खत्म हुआ है, तो हर चीज़ की बात 2022 और 2023 के लिए चलेगी, ठीक है? ऐप पर फ्री क्लासेस होती हैं, बिल्कुल फ्री, उसका पैसा नहीं लगता। वो कुछ लिमिटेड क्लासेस होती हैं, आप उन्हें भी ज्वाइन करिए, ठीक है? उनका स्केड्यूल भी टेलीग्राम पे आता है, जैसे आप 5:30 बजे क्लास है मेरी स्पेशल क्लास। तो दूसरी बात ये है कि देखिए, अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपके पास ये बेनिफिट्स हैं, ठीक है? ये रहा, ये कॉम्बो ऑफर्स चल रहे हैं। अब हर संडे इसी ऐप पर नीट UG कॉम्बैक्ट टेस्ट होता है 11 बजे,
उसमें भी अगर आपको अनलॉक करना है तो आप MB10 कोड को, MB10 कोड आप याद कर लो, यूनिवर्सल है। जैसे अगर आपको किसी और कैटेगरी, जैसे आपको CA की पढ़ाई करनी है, आप मेरा कोड यूज करके भी डिस्काउंट होता है, पर मैं CA नहीं पढ़ाती हूँ, है ना। नहीं, मेरी क्लासेस डेली होती है, अभी एक आध दिन में बिजी थी, मेरे पास अर्जेंट काम था इससे मैंने क्लास नहीं ली थी। आज से मेरी क्लासेस इस चैनल पे स्टार्ट होगी और अब तो रेगुलर ही आएंगी, यही 10:30 बजे वाले टाइम में। ये जो कोर्स है ये 22-23 वाले बच्चों के लिए होता है, ठीक है। तो एक दिन 11th क्लास पढ़ते हैं और दूसरे दिन हम 12th क्लास पढ़ते हैं। तो आज किसका सेशन है? आज 11th क्लास का सेशन है। ये मेरा ऐप पर मास्टर्स बैच है, ठीक है, जो 22 सितंबर से स्टार्ट हो गया था। इस महीने का प्लस कोर्स भी डल चुका है और इस महीने प्लस कोर्स की डेट है 7 अक्टूबर से स्टार्ट है, ठीक है। इज इट क्लियर? ओके। 12th वाले बच्चों के लिए रिप्रोडक्शन एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स पढ़ेंगे और 11th वाले बच्चों के लिए बायोमोलिक्यूल्स। हर चीज आपके लिए पैरेलल चलती है, ठीक है। अब देखो, नीट यूजी नीट मगअप कोर्स फॉर 2022-2023। इसमें ये एनिमल किंगडम में मैं आपको काफी कुछ चीजें बता चुकी थी। हाँ आकाश, आप भी रेगुलर आइए। ओके प्रणव, आप भी रेगुलर, बच्चे भी रेगुलर नहीं आते हैं। फैकल्टीज की तो क्लासेस होती हैं रेगुलर, पर बच्चे नहीं रेगुलर आते हैं। बायो मॉलिक्यूल्स कर लेंगे स्टार्ट, ठीक है, कर लेंगे। देखो कहाँ तक करवा दिया था मैंने इसमें, प्रणव ज्वाइन टेलीग्राम बाय डीकोड नीट। आपने अगर स्टार्टिंग में ध्यान से स्लाइड देखी होगी तो डीकोड नीट नाम का टेलीग्राम है, ठीक है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। चलिए अब हमें कौन सा फाइलम पढ़ना है? टुडे वी आर गोइंग टू डील विद द फाइलम प्लैटीहेलमिंथीज ऑफ नॉन कॉर्डेटा, ठीक है, है ना। नहीं सॉरी, हाँ यहाँ तक हो गया था। प्लैटीहेलमिंथीज हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है, प्लैटीहेलमिंथीज। अब देखिए प्लैटीहेलमिंथीज का मतलब क्या होता है? चपटा, प्लेट की तरह, बॉडी डोर्सो वेंट्रली फ्लैटन्ड है। जैसे ये मेरी बॉडी आगे से एंटीरियर वेंट्रल है और पीछे से पोस्टीरियर डोर्सल है, तो दोनों क्या हैं, आपस में बिल्कुल डोर्सो वेंट्रली चिपक जाते हैं, प्लेट की तरह चिपके हुए रहते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों, जो स्मार्ट बोर्ड की प्रॉब्लम थी यार, वो अभी नहीं सॉर्ट हुई है, ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा स्मार्ट बोर्ड के लिए, ठीक है। हाँ आकाश, आ जाएगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगा। और मैं कल कोशिश करूंगी कि इसको रिवाइज करवा दूं, ठीक है। चलिए अब पढ़ो, प्लैटीहेलमिंथीज का मतलब क्या होता है? फ्लैट वर्म। बॉडी क्या है? चपटी है। ये रहते कहाँ है, पहला पॉइंट क्या होगा, ये कहाँ रहते हैं? पैरासाइट। इनका जो मेनली हैबिटेट है, देखिए ये हैबिटेट टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, ये हैबिटेट पानी में एक्वेटिक भी हो सकता है, और ये किसी बॉडी के अंदर भी हो सकता है, ठीक है, बॉडी के अंदर भी हो सकता है। अब है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। प्लैटीहेलमिंथीज का डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे होगा? देखो धीरे धीरे जैसे जैसे फाइलम्स बढ़ते जा रहे हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे फाइलम्स बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे हर सिस्टम का क्या हो रहा है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम का। जैसे इसमें है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या है, ब्रांच एलिमेंट्री कैनाल विथ माउथ। कहने का क्या मतलब है कि ये देखिए ये माउथ है, फिर ये एलिमेंट्री कैनाल है और ये बंद हो गया है, एनस नहीं है, एनस नहीं है। मतलब एक तरीके से कहा जाए तो जो आपकी एलिमेंटरी कैनाल है या जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इनकम्प्लीट है। कम्प्लीट वो तब होता है जब एक तरफ प्रॉपर माउथ होता है और दूसरी तरफ प्रॉपर एनस हो, तब मैं उस डाइजेस्टिव सिस्टम को कम्प्लीट कहूँगी कि एक तरफ से आपने फूड को इंजेस्ट किया है और दूसरी तरफ से आपने फूड को बाहर निकाल दिया है, ठीक है। पर यहाँ पर एनस एब्सेंट है, तो मतलब एक तरीके से हम ब्लाइंड सैक ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं,
ठीक है, तो थोड़ा बहुत ओके ओके चीजें प्रेजेंट है, ठीक है। पैरासाइटिक अगर इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है तो एक तरीके से एलिमेंट्री कैनाल की जरूरत ही नहीं है। ये क्या करते हैं कि डायरेक्ट इनके माउथ, जो इनका माउथ होता है वैसे शक्कर की तरह होता है, चिपक जाते हैं लिविंग बॉडी पर, जो भी नरिशमेंट खींचना होता है खींच लेते हैं और डायरेक्ट बॉडी कैविटी में उसको डाल देते हैं। एज सच कोई पर्टिकुलर सिस्टम की इनको जरूरत नहीं पड़ती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट, एज सच कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं है, एब्सेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बॉडी सरफेस है, मतलब जो बॉडी सरफेस है उससे रेस्पिरेशन करेंगे, रेस्पिरेशन का मतलब होता है गैशियस एक्सचेंज। एज सच कोई ऑर्गन नहीं है कि भाई नोज हो, ट्रेकिया हो, ब्रोंकाई हो, लंग्स हो, कुछ भी नहीं है इनके पास। सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है, जो भी है माउथ से ले लिया, बॉडी में सर्कुलेट कर लिया, ठीक है, और माउथ से ही बाहर निकाल दिया, क्योंकि एनस तो है ही नहीं ना। एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखो, अगर ये इनके पास जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होते हैं, इल डेवलप्ड होते हैं, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इनके पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन के नाम पर है फ्लेम सेल्स, ठीक है। जैसे ये बॉडी है तो इनके पास जो सेल्स हैं कुछ वो स्पेशलाइज्ड हो चुके हैं एक्सक्रीशन के लिए, एंड दे आर कॉल्ड एज फ्लेम सेल्स, ठीक है। अब क्या है कि अगर इनको एक्सक्रीशन करना है ना, अगर इनको एक्सक्रीशन करना है, जैसे प्रोटोनेफ्रिडिया विथ फ्लेम सेल्स हो गए, तो अगर इनको एक्सक्रीशन करना है तो ये क्या करेंगे, किसकी फॉर्म में एक्सक्रीशन करेंगे, मतलब इनका जो मेन नाइट्रोजिनस वेस्ट होगा वो किसकी फॉर्म में होगा, अमोनोटेनिक में, अमोनिया में, ठीक है, NH3 में। नर्वस सिस्टम कैसा है, लैडर की तरह, कि भाई यहां पर क्या है, ये नर्व का एक गुच्छा हो गया है, नर्व कॉर्ड, ठीक है, फिर यहां से ये लंबी लंबी नर्व्स निकल रही हैं, ठीक है, और इन नर्व्स को जोड़ने के लिए और नर्व्स हैं, तो ऐसा नहीं लग रहा, सीढ़ी नहीं लग रही, लैडर की तरह नर्वस सिस्टम, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है, देखो अगर किसी की भी बॉडी लॉन्ग फिलामेंटस है, बॉडी अगर लॉन्ग फिलामेंटस है, लॉन्ग फिलामेंटस है, तो वो आराम से अपने आप को पीसेस में फ्रेगमेंट कर सकती है, या मान लीजिए एक्सीडेंटल फ्रेगमेंटेशन हो जाए तो इस पर्टिकुलर पार्ट में क्या होगा, रीजेनरेशन होगा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन एंड रीजेनरेशन, ठीक है ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन एंड रीजेनरेशन। मोस्ट आर हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है, सेक्स ऑर्गन्स अलग अलग हैं। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, मतलब जैसे मेल की बॉडी ने अपना गैमिट निकाला और फीमेल की बॉडी को दे दिया, ठीक है, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। डेवलपमेंट क्या है, इनडायरेक्ट होता है, मतलब आपके पास लार्वल स्टेज आती है, ठीक है। उसके बाद अदर फीचर्स, अनसेगमेंटेड फ्लैट लीफ लाइक बॉडी, अनसेगमेंटेड फ्लैट लीफ लाइक बॉडी, फर्स्ट ग्रुप शोइंग, पहली बार सर आता है, हेड, ठीक है, आई बात समझ में। एग्जाम्पल में होगा टिनिया सोलियम प्लेनेरिया एंड लिवर फ्लूइड, ठीक है, ये प्लेनेरिया, लिवर फ्लूइड एंड टेप वर्म, देखिए वर्म, लंबी लंबी बॉडी, लॉन्ग फिलामेंटस बॉडी है, बॉडी क्या है, लॉन्ग फिलामेंटस, ठीक है। बच्चों अगेन मैं आप लोगों को कहूंगी कि इफ यू वांट टू टेक माय प्लस एन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जो कि ज्यादा बेहतरीन है, और अब कोर्सेज तो 22-23 के लिए चलेंगे ईयर लॉन्ग, उसमें नीट एंड टर्म 1 बोर्ड सिलेबस, मतलब बोर्ड का पूरा कवर हो रहा है,
तो अभी के अभी अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करिए और प्लस और आइकॉनिक पे जाके जो भी एक या दो साल को आपका बेहतरीन सब्सक्रिप्शन आपको लगता है आप ले लें, कोड मेरा डालें MB10, मुझसे तो पढ़ ही पाएंगे साथ में और अदर एजुकेटर्स के साथ भी अनलॉकिंग हो जाएगी, ठीक है। नाउ एस्क हेलमिंथीज, जिन्हें निमेथ हेलमिंथीज या राउंड वर्म से कहा जाता है क्योंकि इनकी बॉडी का क्रॉस सेक्शन क्या है, राउंड। अगर आप काटोगे तो बॉडी ऐसे राउंड 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 दिखेगी। अगेन ये भी क्या है, लॉन्ग फिलामेंटस, क्या है, लॉन्ग फिलामेंटस, ठीक है। तो ये हैबिट है फ्री लिविंग और पैरासाइटिक। फ्री लिविंग मतलब फ्रीली टेरेस्ट्रियल पे रह रहे हैं, फ्रीली पानी में रह रहे हैं, पैरासाइटिक मतलब किसी की बॉडी पे डिपेंडेंट है। डाइजेस्टिव सिस्टम, ट्यूब्यूलर एलिमेंटरी कैनल, यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम आपको अब कंप्लीट नजर आएगा कि इसके पास माउथ है, माउथ के बाद फेरिंग्स हो गया, देन इंटेस्टाइन हो गया, देन लास्ट में क्या हो गया, एनस हो गया, है ना। ये एनस, ठीक है, इज इट क्लियर। पूरा एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है, मतलब इंजेशन इनटेकिंग माउथ से होगा और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो एनस से निकल जाएंगे, खासकर अगर फीकल मैटर है सॉलिड, और माउथ में आपको दांत भी दिखेंगे। रेस्ट, अब देखो धीरे धीरे हर सिस्टम फाइलम बाय फाइलम डेवलप हो रहा है, तो यहां पर आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम अभी भी एब्सेंट है, मतलब सिस्टम का मतलब है जनरल बॉडी सरफेस से गैशियस एक्सचेंज हो रहा होगा, पर एज सच नो ऑर्गन्स, अगर प्रॉपर बात करें तो नो ऑर्गन्स। सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट, आपके पास प्लैटी हेलमिंथीस में फ्लेम सेल्स थे, ठीक है, प्लैटी हेलमिंथीस में आपके पास फ्लेम सेल्स थे, यहां पर कैसे सेल्स हैं, एच शेप्ड सेल्स, रेनेट सेल्स, अमोनोटेलिक, ठीक है। नर्वस सिस्टम कंपोज्ड ऑफ सर्कमफेरेंजियल रिंग, ये ऐसी रिंग में होगी, एंड वेंट्रल एंड डोर्सल नर्व। कपिल, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्व्स कैसे निकलेंगे, आगे की तरह वेंट्रल भी और पीछे डोर्सल भी। SRP, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है, हर्माफ्रोडाइट केस है, सेक्स ऑर्गन्स अलग अलग हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, फीमेल की बॉडी के अंदर हो रहा है, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, अदर फीचर्स में सिनकाइशियल एपिडर्मिस, जो एपिडर्मिस है उसके एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, थिक क्यूटिकल, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, ठीक है, एग्जाम्पल में एस्कैरिस, एनक्लाइस्टोमा, बुचरेरिया एंड एंटरोबियस। राउंड वर्म, देखिए मेल एंड फीमेल दिख रहा है आपको। नाउ एनेलिडा, एनेलिडा भी एक वर्म है, लॉन्ग फिलामेंटस बॉडी है, लंबी लंबी बॉडी है, ठीक है, लेकिन यहां पर आपको बॉडी में सेगमेंट नजर आएंगे, पार्टीशन कंपार्टमेंट्स नजर आएंगे, ठीक है, क्या होंगे, पार्टीशन कंपार्टमेंट्स नजर आएंगे, ये 1, 2, 3, 4, और बॉडी क्या है, ट्रूली सेगमेंटेड है, बाहर से भी सेगमेंटेशन से और अंदर से भी सेगमेंटेशन से। हैबिट, ठीक है, टेरेस्ट्रियल, फ्रेश वाटर, मैरीन और पैरासाइट, ठीक है,
पानी में रह सकते हैं, धरती पे रह सकते हैं, टेरेस्ट्रियल, मरीन और पैरासाइटिक। हाँ, सिनकाइशियल मीन्स मल्टी न्यूक्लिएटेड, सिनोसाइटिक, एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस दिखेंगे, मतलब मैनी न्यूक्लियाई। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है? अगेन यहां पर कंप्लीट है। रेस्पिरेटरी में स्किन से होगा क्यूटेनियस, और अब हल्के फुल्के गिल्स नजर आएंगे, इल डेवलप। तो अगर स्किन से रेस्पिरेशन होता है तो उसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं, और अगर गिल से रेस्पिरेशन होगा तो उसको ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कहेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड टाइप, क्लोज्ड टाइप, सिर्फ प्रॉपर ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो करेगा, और यही ब्लड वेसल्स किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गन पे जाएंगी और फिर बाइफर्केट करेंगी कैपिलरीज में, और फिर डिफ्यूजन से एक्सचेंज हो। एक्सक्रीटरी सिस्टम नेफ्रीडिया, एक्सक्रीटरी सिस्टम नेफ्रीडिया से होगा, ठीक है। अगर एक्वेटिक फॉर्म में है तो नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट अमोनोटेलिक के फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि अमोनिया हाईली सॉल्यूबल इन वाटर होता है, ठीक है। एंड यूरियोटेलिक मतलब यूरिया, जो लेस सॉल्यूबल होता है। नर्वस सिस्टम में क्या है? जब नर्व्स का गुच्छा बन जाता है तो आप उसको गैंगलिया कहते हो। नर्व्स का गुच्छा बन जाए तो आप उसको गैंगलिया कहते हो, ठीक है। और क्या होता है? नर्व कॉर्ड होती है। क्या होती है? नर्व की कॉर्ड होती है, ऐसी नर्व 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 कॉर्ड, ठीक है। डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, आगे की तरफ नर्व कॉर्ड जाएगी और डबल होगी। आई बात समझ में? ये हो गया। रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगेन हर्माफ्रोडाइट, डेवलपमेंट इंटरनल, सॉरी फर्टिलाइजेशन इंटरनल, और जो आपका डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट होगा क्योंकि ट्रोकोफोर लार्वा है इसमें अंदर। एनिडा में एक्स्ट्रा फीचर्स क्या हैं? कि जो बॉडी है आपकी एपिडर्मिस, उसके आसपास थिक क्यूटिकल भी होती है फॉर मोर सर्वाइवल इम्यूनिटी एंड डिफेंस। लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर सीटे और पैरापोडिया, ठीक है। अर्थवॉर्म लीच, नीरिस, एफ्रोडाइट, चेटोप्टेरस, लीच, नीरिस, ये देखो ये लीच पैर में चिपक गई है बुरी तरीके से। आर्थ्रोपोडा, अब क्या है आर्थ्रोपोडा? आर्थ्रोपोडा का मतलब होता है जॉइंटेड लेग्ड एनिमल्स। इनकी बॉडी में लेग्स क्या है? जॉइंटेड है, मतलब अब आपको लोकोमोटरी ऑर्गन्स भी ज्यादा डेवलप मिलेंगे। बाकी सिस्टम्स तो अब धीरे 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 क्या हो रहे हैं? डेवलप हो ही रहे हैं। हैबिट में कॉस्मोपॉलिटिशियन, हर जगह रह सकते हैं, मतलब बॉडी में कुछ ऐसे मॉडिफिकेशंस होंगे जिसके थ्रू ये हर जगह एडजस्ट, एक्लिमेटाइज और सर्वाइव कर सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल वेल डेवलप्ड है, कंप्लीट है ना। रेस्पिरेटरी सिस्टम गिल्स, ट्रेकिया, बुक गिल्स और बुक लंग्स, चारों टाइप के अलग अलग ऑर्गन्स दिखेंगे, ठीक है। तो अगर ये कॉस्मोपॉलिटिशियन है तो ये टेरेस्ट्रियल भी रह सकते हैं। एक्वेटिक भी, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम यहां पर ओपन टाइप का है,
मतलब थोड़ा सा आपको रिट्रोग्रेसिव दिखेगा कि एनिलिडा में क्लोज्ड है, इसमें क्या एक बड़ी सी ब्लड वेसल से ब्लड आ रहा है और ये ओपन स्पेस में बात कर रहा है, ठीक है, और ऑर्गन्स को डायरेक्टली बात कर रहा है. देर इज नो प्रॉपर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज. एक्सक्रीटरी सिस्टम में एंटीनरी ग्लैंड, मालफीजन ट्यूबुल्स या कॉक्सल ग्लैंड. एक्वेटिक फॉर्म में अमोनोटेलिक, टेरेस्ट्रियल फॉर्म में यूरिकोटेलिक, यूरिक एसिड. नर्वस सिस्टम, अगेन अ नर्व रिंग विथ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड विच इज गैंग्लियोटेड, मतलब इसमें भी आपको नर्व्स का गुच्छा दिखेगा, ठीक है, ओके, गैंग्लियोटेड. तो ये भी जहां पर नर्व का गुच्छा आ जाता है, जहां नर्व्स कलेक्ट हो जाते हैं, उसको गैंग्लिया कहते हैं. रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेक्सेस आर सेपरेट, ठीक है, सेक्सेस आर सेपरेट. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इन एक्वेटिक फॉर्म्स, ठीक है, सेक्सेस आर सेपरेट. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इन एक्वेटिक फॉर्म्स, ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन इन लैंड फॉर्म्स, ठीक है. एक्सटर्नल का मतलब है कि मान लीजिए कि ऑर्गेनिज्म पानी में रह रहा है, तो मेल ने अपना मेल गैमेट छोड़ दिया, फीमेल ने अपना फीमेल गैमेट छोड़ दिया, वो पानी में दोनों गैमेट फ्यूज हो गए, ठीक है. इंटरनल में क्या है कि ओके वी हैव टू डिफरेंट सेक्सुअलिटी ऑर्गेनिजम्स, तो एक मेल ने अपना गैमेट फीमेल में छोड़ा, मीन्स वहां पर आपको कॉन्टेक्ट की जरूरत पड़ेगी. सम आर ओविपेरस, सम आर विविपेरस, कोई एग लेइंग होंगे, ठीक है, कोई डायरेक्ट यंग वन लेइंग. अच्छा बच्चों, अगेन इफ यू वॉन्ट टू टेक माई सब्सक्रिप्शन ऑन प्लस एन आइकॉनिक, MB10 मेरा कोड है, ऐप इंस्टॉल करके नीट यूजी कैटेगरी को चूज करके आप आराम से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, कोर्सेज चल रहे हैं प्लस पे. अदर फीचर्स क्या है आर्थ्रोपोडा के, बॉडी क्या है, आपको ऐसे हद से ज्यादा पार्टीशंस नहीं दिखेंगे एनिलिडा की तरह, पर एक प्रॉपर हेड दिखेगा, फिर बीच का हिस्सा थॉरेक्स, देन एब्डोमेन, ठीक है. बॉडी इज कवर्ड बाय क्यूटिकल, ये क्यूटिकल, ठीक है. उसके बाद इकडाइसिस मोल्टिंग, मतलब कि अपनी बॉडी वॉल को शेड करेंगे और दोबारा अटेंड कर लेंगे. मेटामॉर्फोसिस प्रेजेंट, अलग अलग चेंजेस शेप एंड साइज में इनकी बॉडी में दिख सकते हैं, एग्जांपल स्पाइडर, स्कॉर्पियन, क्रैप, प्रॉन, लेपिस्मा, इंसेक्ट्स, ठीक है बच्चों. देखो जैसे लोकस्ट हो गया, बटरफ्लाई, प्रॉन, ये मान लो एक तरीके से जो आर्थ्रोपोडा है ना, जो आर्थ्रोपोडा है, वो लार्जेस्ट फाइलम है. क्या है? लार्जेस्ट फाइलम, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इसी फाइलम में है, क्योंकि इनके पास एडजस्टेबिलिटी ज्यादा है, तो हर जगह रह लेते हैं, तो रिप्रोडक्शन करके अपने नंबर को बढ़ा लेते होंगे. प्रॉन, ये देखिए, जैसे एडीस, इजिप्शी, एनाफिलीस, क्यूलेक्स, मिलीपेट, इंसेक्ट्स, ठीक है बच्चों. चलिए तो आज के लिए इतना बहुत है, तो कल हम लोग मिलेंगे, ठीक है,
मैं कोशिश करती हूँ कि पैरेलल क्लासेस ले लेती हूँ, जैसे आधा घंटा 11th आधा घंटा 12th हो जाएगा, दोनों क्लासेस एक साथ कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, प्लीज शेयर दिस चैनल, लाइक एंड शेयर दिस सेशन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आपके बदौलत ही ये चैनल आगे बढ़ेगा। और प्लस पे सब्सक्रिप्शन है, आइकॉनिक लेना है तो अभी की अभी ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि इस महीने का कोर्स 7 अक्टूबर से होगा। ठीक है, तो नीट मेंटोस, आई एम सो सॉरी, इसको मैं लिख के चेंज करना भूल गई। पहले मैं नीट एकेडमी पे पढ़ाती थी। नीट मेंटोस चैनल है और ये मेरा टेलीग्राम है। प्लस एन आइकॉनिक के लिए आप MB10 कोड को मत भूलें, कोड को यूज करें। मेरे अलावा आप जिन भी एजुकेटर से चाहें पढ़ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, गॉट माई पॉइंट? चलिए तो अब हम लोग, अब कोई सेशन नहीं है यूट्यूब पर, प्लस की क्लासेस 7 तारीख से हैं एंड हम लोग स्पेशल क्लास में मिलेंगे। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे फ्री क्लास होगी, स्पेशल क्लास। कभी कभार वहां पर भी अगर इनरोलमेंट के लिए कोड पूछें तो आप मेरा कोड डाल दें, आप फ्री में इनरोल कर सकते हैं, पैसा नहीं लगेगा आपको। तो वहां पर नीट MCQ सीरीज चल रही है। आज हम लोग केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है प्रणव, मैं वही बता रही हूँ अगर आप ध्यान से सेशन को सुन रहे हैं तो। ठीक है ना? नहीं, टेलीग्राम एक ही है, डीकोड नीट, उसको ज्वाइन कर लीजिए। पब्लिक चैनल है, उसमें मैं लिंक्स डालती हूँ। कोड मेरा MB10 है। प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है आइकॉनिक, ये है MB10। और अगर आपको किसी और कैटेगरी में भी जाना है, जैसे अगर आपको NDA की तैयारी करनी है, जैसे कल एक बच्चे ने NDA का सब्सक्रिप्शन लिया मेरा कोड डालकर, मैं वहाँ पढ़ाती नहीं, पर यूनिवर्सल कोड है, आप डालो आपको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है बच्चों, चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।